आपसे चुनाव मांगा गया है, चुनाव इसी से चुनाव जिसको अनुमति जो सभा चला रहे कोई नियम है कैसे पाप बना रखा है, राजा बना रखा है इसको, जब आप चुप रही है। बिहार के सियासी घमासान का नया नवेला हिस्सा बनी जनसुराज पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर आपे से बाहर हो गए। चुनावी कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने एक कार्यकर्ता को पूरी तरह से डांटा और कहा कि ये आरजेडी नहीं है, आपने इरादत नहीं है, बैठिए, आपसे चुनाव मांगा गया है, बैठिए। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित मीटिंग में हिस्सा लेने पीके मुजफ्फरपुर के चंद्रहटी पहुंचे थे। बैठक में एक कार्यकर्ता माइक लेकर कुछ कहना चाह रहा था। प्रशांत किशोर बार बार उन्हें बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की बात नहीं मान रहा था। दूसरे लोगों ने भी उनको बैठने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। प्रशांत किशोर ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए कार्यकर्ता को खूब डांटा। प्रशांत किशोर को इतने गुस्से में देख कर एक बार की सब हैरान रह गए। इरादत नहीं है, बैठिए, आपसे चुनाव मांगा गया है, बैठिए। अरे ये पब्लिकली बात थी जिसको हम कहना चाह रहे हैं, मत दादी भाई। अरे बैठो ना भाई, नहीं सुनिएगा तो हम चले जाएंगे, हमको कोई मतलब ये दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो दो लाइन सी बात सुन लेते सर, आप उसके बाद आपको जो कहना होता कर लेते। नहीं, हमारा ये कहना है कि वोट हम लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, सर आखिर में सर किसी रिजल्ट पे हमारे ठीक आपसे विवेचना नहीं चाहते हैं हम सर, ये बात नहीं है। अरे भाई बैठो ना, क्या चलना चला रहे हैं, सुनिए आइए, एक मिनट के आप दो हाल आई आप आपसे सही से बात किया जा रहा है, बैठिए तो पार्टी का अनुशासन है। अरे बैठो ना भाई, नेता जी बोल रहे थे, गजब बड़का नेता है, जब पागल आदमी कौन अनुमति दिया बोलने के लिए, कौन अनुमति दिया बोलने के लिए, जिनको बोलना है, जिसको अनुमति जो सभा चला रहे कोई नियम है कैसे पाप बना रखा है, राजा बना रखा है इसको, जब आप चुप रही है, जब ये सभा संचालित कर रहे हैं जिसको ये भाई। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज पदयात्रा शुरू की थी। इस पदयात्रा के जरिए वो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाने की कोशिश लगातार करते रहे और इसके बाद उन्होंने जन सुराज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। अमूमन शांत रहने वाले प्रशांत किशोर जब अचानक इस बार इतने गुस्से में नजर आए तो वीडियो को वायरल होते देर नहीं लगी। साथ ही इसमें चर्चा आरजेडी की भी थी, तो मामला बढ़ना स्वाभाविक ही माना जा सकता था। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।